नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। पाव भाजी महाराष्ट्र का एक बहुत ही प्रचलित स्ट्रीट फूड है। अपने मजेदार स्वाद की वजह से ये पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुका है। पाव भाजी बनाना सिखाने की रिक्वेस्ट हमें कई बार मिल चुकी है, लेकिन हम सर्दियों के मौसम का वेट कर रहे थे क्योंकि सर्दियों की सब्जियों के साथ ये बहुत ही लजीज बनता है। इसमें ढेर सारी सब्जियां डलती हैं और गर्मियों में सब्जियों में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे सर्दियों की सब्जी के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए ढेर सारी सीजनल वेजिटेबल्स। आज हम इसे सर्दियों में बना रहे हैं, इसलिए हमने ठंड की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि हमने फूल गोभी ली है, मटर लिए हैं, शिमला मिर्च लिए हैं, गाजर लिए हैं। सभी सब्जियों को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मटर को छोड़ के। मटर को छील के इसके दाने निकाल के धो के रख लिए हमने। दो आलू हमने उबाल लिए हैं, उसे अभी हमने ऐसी रफली हाथों से थोड़ा सा तोड़ लिया है, बाकी हम इसे बाद में मैश भी करेंगे। पाव भाजी की जो भाजी हम तैयार करते हैं उसका स्वाद बढ़िया आता है ढेर सारे लाल लाल टमाटर डालने से। चार बड़े साइज के टमाटर हमने काट के रखे हैं, इससे इसमें एक खट्टा सा बहुत बढ़िया सा स्वाद आता है। इसे स्पाइसी बनाने के लिए दो तीन हरी मिर्चें हमने काट ली हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और हमें चाहिए थोड़ी सी हरी धनिया, इसे भी हमने काट के रख लिया है। दो प्याज के हमने बारीक टुकड़े कर लिए हैं, पांच छह कलियां लहसुन की हमने ली है, उसके भी ऐसे टुकड़े काट लिए हैं, और लगभग एक इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सूखे मसाले डालेंगे वो इस प्रकार से हैं: आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लगभग एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये पाव भाजी को बहुत अच्छा कलर देगा। पाव भाजी को तीखा करने के लिए हम हरी मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, लगभग आप समझ लीजिए एक तिहाई छोटा चम्मच हमने लिया है, और एक चम्मच भर के हमने लिया है पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी की भाजी को मक्खन में ही बनाया जाता है, इसलिए मैं मक्खन का प्रयोग कर रही हूँ। वैसे आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अभी मैं बहुत थोड़ा सा मक्खन इसमें डाल रही हूँ, लगभग एक छोटा चम्मच। मक्खन मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई सब्जियाँ डालेंगे, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, गोभी और मटर। सब्जियों को इसमें उबाल के भी डाला जा सकता है, आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में पका के सब्जियों को डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से सब्जियों को मक्खन में भून के डालने से सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो हम इसे इसी तरह से आज बनाएंगे। इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग एक तिहाई चम्मच के करीब, जिससे कि सब्जियाँ जल्दी से गल जाएँ और वो नमकीन भी हो जाएँ। और इसके साथ ही साथ हम इसमें बहुत थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला भी इस वक्त डालेंगे। पाव भाजी का मसाला इस वक्त डालने से सब्जियों में इसका अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब आंच को हम बिल्कुल धीमी कर देंगे और सब्जियों को ढक के पकाएंगे। सब्जियां अपने ही जूसेस में पक जाएंगी और इनमें बहुत अच्छी इनकी मिठास रहेगी। सब्जियों को जल्दी से गलाने के लिए हम सभी सब्जियों को कढ़ाई के बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे और उसके बाद एक बहुत ही छोटी साइज़ की प्लेट से इसे ढक देंगे। इस तरह से छोटी साइज़ की प्लेट से ढकने से इसको एयर गैप कम मिलेगा और ये बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया गल जाएंगी। एक बार ये प्लेट हटा के चेक करेंगे इसकी सब्जियाँ गलनी शुरू हो गई हैं कि नहीं। सब्जी पे हल्का सा कट लगा के चेक करेंगे, सब्जी गलनी शुरू हो चुकी है। एक बार इसे चला लेंगे और फिर से इसे ढक के डेढ़ से दो मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन खोला है, सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं, तो अब हम इन सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में एक बार फिर से एक बड़ा चम्मच भर के मक्खन हम डालेंगे, मक्खन को मेल्ट होने देंगे। मक्खन मेल्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। लगभग डेढ़ दो मिनट तक प्याज को हमने हल्का भून लिया है, प्याज थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन के कटे हुए टुकड़े और अदरक। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। पाँच छः मिनट तक हमने मसाले को भून लिया है, मसाला भून चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो, लेकिन हमने इसमें इतना ही मक्खन डाला है जितना कि मसाला भूनने के लिए ज़रूरी है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
टमाटर को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना है। उसके लिए हम आँच को धीमी कर देंगे और बर्तन का लिड लगा देंगे। टमाटर को 5-6 मिनट तक इसी तरह से ढक के पकाएंगे। लगभग 5-6 मिनट तक हमने इसे ढक के पकाया है। अब मैं ये लिड खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसे ऐसे खोल के पकाएंगे और इसे मैश करते रहेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल घुटे हुए टमाटर चाहिए। मीडियम आंच पे लगातार मैश करते हुए हमने टमाटर को पकाया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से घुट चुके हैं। अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे और उबले हुए आलू डाल देंगे। सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें मैश करेंगे। उसके लिए अब मैं झारा हटा देती हूँ और एक मैशर का प्रयोग करेंगे। मैं एक वुडन मैशर की सहायता से सब्जियों को मैश कर रही हूँ। आपके पास जैसा भी मैशर है उससे आप मैश कर सकते हैं। सब्जियों को जितनी अच्छी तरह से मैश करेंगे उतनी ही अच्छी पाव भाजी बनेगी, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसे मैश करना है। सब्जियां अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। अब हम मैशर को हटा देंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर और 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पाव भाजी की भाजी बहुत ज़्यादा रस वाली नहीं होती है, लटपटी होती है। अभी मैं इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं मिक्स करके चेक करती हूँ। थोड़ा पानी और इसमें पड़ेगा, 1/2 गिलास पानी में और डाल देती हूँ। इसमें 1/4 गिलास पानी मैंने डाला है, मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉयल आने लगा है। अब आँच को धीमी कर देंगे और अब हम इसमें एक बार फिर से डालेंगे 1 चम्मच भर के मक्खन। इस तरह से मक्खन बाद में ग्रेवी में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब आँच को धीमी कर देंगे और 6-7 मिनट तक इसे ढक के पकाएंगे। अब मैं ये लिड खोल रही हूँ। भाजी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें बटर डाला था वो सारा सरफेस पे आ गया है। एक बार इसको चला के इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की भाजी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला फिर से डाल सकते हैं। लगभग 2 चुटकी पाव भाजी मसाला मैं फिर से डाल रही हूँ। इस तरह से लास्ट में पाव भाजी मसाला डालने से इसका तीखापन और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ। अब इसके साथ सर्व करने के लिए पाव को भी तैयार कर लेते हैं। पाव को इस तरह से चाकू से बीच में से हम काट लेंगे और इसे फैला लेंगे। एक तवे पे थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे, यानी कि मक्खन लगाएंगे और इसे स्प्रेड करेंगे। तवा चिकना हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला स्प्रिंकल करेंगे। अब पाव को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए सेकेंगे। एक तरफ से हल्का सा सेक चुका है, अब इसे पलट के भी दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं सेकना है, बस हल्का सा सेकना है। ये पाव हमारे सिक्के तैयार हो चुके हैं। भाजी को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा बटर। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बेल आइकन को भी जरूर हिट करें, जिससे कि हमारी सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।